अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़ीका वायरस के हवाले से। ये इन्फेक्शन अब तक करीबियन, शुमाली और जनूबी अमेरिका के 21 ममालिक में पाया गया है। इसकी अलामात में बुखार, आशूबे चशम की बीमारी और सर दर्द शामिल हैं। ये बीमारी 1940 में पहली बार अफ्रीका में सामने आई थी और अब तक लातिनी अमेरिका में फैल रही है। पहली बार ये वायरस 1974 में युगांडा में दरियाफ्त किया गया, जबकि शुमाली और जनूबी अमेरिका में 2014 तक ये वायरस मौजूद नहीं था। ज़ीका नामी ये वायरस एक मच्छर के काटने की वजह से जिस्म में मुंतकिल होता है। इस मच्छर के की वजह से डेंगी बुखार और बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। इसकी वजह से एक बीमारी फैलती है जिसकी वजह से छोटे सार वाले बच्चों की पैदाइश होती है। इस वायरस के बायस हज़ारों बच्चों में संगीन पैदाइशी नकायस होने के खतरे के पेश नज़र कुछ ममालक ने खवातीन को हमला होने से खबरदार किया है। अब तक इस वायरस का कोई इलाज या वैक्सीनेशन दस्तियाब नहीं है। ज़ीका वायरस अफ्रीका से शुरू हुआ था और इसके फैलने की खबर पहली मर्तबा मई 2015 में ब्राज़ील में शाया हुई। ख्याल रहे कि ये बीमारी जनूबी अमेरिका के ममालक में इसलिए इतनी तेज़ी से फैल रही है क्योंकि वहाँ पर कुव्वत मदाफ़त की कमी है। लोगों में कुव्वत मदाफ़त बहुत कम है। ये बीमारी ब्राज़ील में फैली हुई है। ब्राज़ील में छोटे सर वाले बच्चों की पैदाइश का सिलसिला जारी है और अक्टूबर से अब तक इस बीमारी से मुतासर 4000 बच्चे पैदा हो चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद इससे ज़्यादा स्पीड से इस बीमारी के फैलने का खदशा है। इस दौरान अमेरिका के महकमे सेहत के हकाम ने हमला खवातीन को अमेरिका और इसके से बाहर कम से कम 20 ममालक का सफ़र करने से मना किया है जहां इस बीमारी के केसेस सामने आए हैं। ब्राज़ील में इस बीमारी से मुतासरा कम से कम 49 बच्चे हलाक हो चुके हैं। कोलंबिया में इस बीमारी से मुतासरा बच्चों की 14,000 के केसेस सामने आ चुके हैं। इस वक्त ज़ीका वायरस से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जहां मच्छरों की नस्लों की अफजाइश होती है इससे ठहरे हुए पानी को हटा दिया जाए। नाजरीन, मच्छर की वजह से फैलने वाली और बहुत सी बीमारियां हैं जिन में से ख़तरनाक तरीन ये ज़ीका वायरस है। अमेरिका की ये खबरें इंटरनेट पर इसलिए कम आती हैं क्योंकि वो मीडिया उनके कंट्रोल में है और उनकी मईशत को एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर यही खबर चाइना, पाकिस्तान या फिर और किसी इस्लामी मुल्क की होती तो अब तक पूरा मीडिया चीख चीख कर ज़ीका वायरस के बारे में पुकार रहा होता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप अगर किसी और मौजू पर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में